नमस्कार और स्वागत है आपका रेसिपी फ्रॉम इंडियन किचन में। आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाला आलू चाट। आलू चाट बनाने के लिए आपको सबसे पहले आलू को छील करके और ऐसे ऐसे छोटे छोटे इवन टुकड़ों में काट लेना है। काटने के बाद हम इसे धो करके एक स्ट्रेनर में रख लेंगे ताकि पानी सारा निकल जाए और आलू बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए। और अगर ना भी हो तो आप उन्हें एक टावल में अच्छे से पोंछ लें इस तरीके से। और अब हम इन कटे हुए आलुओं को डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है, फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है और थोड़े थोड़े बैचेस में हम आलू डालेंगे, एक साथ ढेर सारे नहीं डालेंगे नहीं तो वो चिपकने लगेंगे। कंटिन्यूसली हम इन्हें स्टर करते रहेंगे, चलाते रहेंगे जिससे ये चिपकेंगे नहीं और बिल्कुल अच्छे से हमें इन्हें ब्राउन होने तक तलना है। आलुओं को अगर आप एक जैसा एक बराबर साइज़ में नहीं काटेंगे तो छोटे आलू पहले लाल हो जाएंगे और बड़े वाले लाल नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए आलुओं को यूनिफॉर्म साइज़ में काटना ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये मेरे आलू क्रिस्पी हो गए हैं। मैं इन्हें निकाल लूँगी टिश्यू पेपर पे और इसी तरीके से सभी आलुओं को हम तल लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे आलू को इसी तरीके से तल लिया है। और अब चाट बनाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की है वो मैं बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर इमली की खट्टी मीठी चटनी का यूज़ किया है, उबले हुए छोले का इस्तेमाल किया है। सिंपली आप छोले को उबाल लीजिए नमक डाल के, साथ में ये मीठी दही है जो कि चीनी डालकर फेंट ली है, काली नमक, साथ में है कुटी हुई लाल मिर्ची, आप लाल मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, चाट मसाला है। उसके अलावा मैंने यहाँ एक भुजिया नमकीन ली है और थोड़े से ये ताज़ा अनार के दाने हैं और तीखी हरी चटनी। ये सारी चीज़ों को आप पहले ही तैयार करके रख लें। एक बार सभी चीज़ें हों तो हम उन्हें असेंबल करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ प्लेट पर तले हुए आलू ले लिए हैं। इस पर सबसे पहले हम डालेंगे काला नमक, क्योंकि आलू में हमने और कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट नहीं डाला, आलू बिल्कुल सादे हैं, इसीलिए सबसे पहले हम इस पर काला नमक, लाल मिर्ची पाउडर और चाट मसाला छिड़केंगे ताकि बेसिक टेस्ट आलू को मिल जाए। इसके बाद हम इस पर बाकी की चीज़ें ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो इन सब में सबसे पहले मैं इसके ऊपर डालूंगी छोले, एक लेयर एक पूरे छोले की हम इसमें डाल देंगे इस तरीके से। और एक बार छोले ये पूरे ढक जाएं आलू छोले से, उसके बाद उसके ऊपर हम डालेंगे एक लेयर मीठी दही की। आप चाहें तो इस दही को प्लेन भी रख सकते हैं बगैर चीनी का, मैंने इसमें हल्की सी चीनी डाली है ताकि इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ ये टेस्ट को बैलेंस कर ले। ये देखिए, अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये खट्टी मीठी इमली की चटनी। ये सभी चीज़ों को मैंने पहले ही तैयार करके रखा है। जब भी कोई गेस्ट आने वाले हों तो आप सभी चीज़ों को पहले से तैयार रखें, बस फटाफट आलू तलते जाएं और चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। ये है तीखी धनिया की चटनी, ये ऑप्शनल है, मैंने लाल मिर्ची पहले से डाली है इसलिए मैं धनिया की चटनी अवॉइड कर रही हूँ, आप चाहें तो डाल लें। और साथ में ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे भुजिया नमकीन और एकदम ऊपर टॉप करेंगे हम ये अनारदाने के साथ। तो लीजिए, ये आपका इंस्टेंट झटपट चाट बनकर तैयार है। ये बिल्कुल मार्केट जैसा बहुत ही टेस्टी और सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, घर पर भी बना हुआ है, आप अपने बच्चों को और मेहमानों के आने पे ये फटाफट बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी।